एपिसोड की शुरुआत शिनवे और वेन से होती है, जो होटल से मेसवे का मैप मिलने के बाद अब एक छोटे नूडल रेस्टोरेंट पर आकर नूडल्स खा रहे थे। शिनवे को मैप समझ नहीं आ रहा था, जिसपे वेन बोलता है कि तुम्हें अपनी ही कंट्री का मैप पढ़ना कैसे नहीं आ रहा, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो। तभी वहाँ आसपास के बाकी मर्द लोग शिनवे को ही घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस जगह पर काफी टाइम से किसी लड़की को नहीं देखा था। उनमें से एक आदमी तो खड़े होकर वेन के पास आ जाता है और उसको कहता है कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे अगर तुम ये फ्लावर हमारे पास छोड़ जाओ। वो लोग शिनवे को मांग रहे थे। शिनवे को समझ नहीं आता, वो वैन से पूछती है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर वैन बताता है कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। शिनवे डर जाती है, तभी बाकी लड़के जबरदस्ती शिनवे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वैन खड़ा खड़ा ये सब देख कर कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस शिनवे के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था, हंस रहा था वो। शिनवे इस बात पे वैन पे चिल्लाती है उसका नाम लेकर, जिसके बाद जिन आदमियों ने शिनवे को पकड़ा था वो लोग समझ आते हैं कि ये वैन डेजर्ट ट्रैकर्स का लीडर वैन है। सब लोग वैन से माफी मांगते हैं और जो मंत्र हो जाते हैं हंसे। तभी शिनवे वैन को पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, जिस पर वैन बोलता है कि ये तो ट्रेलर था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, आज तो सिर्फ छोटा सा मजाक था। सीन अब बेशवांग पे शिफ्ट होता है, वो दरख्त के पास खड़ी थी, तभी युवान उसके पास जाता है, पूछता है कि तुम अब तक गई क्यों नहीं, मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। जिस पर बेशवांग उसके करीब चली जाती है और उसके सीने पे सर लगाकर उसको बोलती है कि बस तुम्हें अच्छे से बाय बोलना चाहती थी। फिर वो पलट कर अब जाने वाली होती है तो युवान उसे अपनी तरफ फुल करता है, उसका हाथ खींच कर और एक किस कर देता है। बेशवांग इस पर उसे थप्पड़ लगा देती है, पर युवान बोलने लगता है कि तुम मत जाओ, तुम्हें और तुम्हारी कंट्री को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर बेशवांग बोलती है कि मेरा कोई और मकसद है, जिस पर युवान बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा ना, मैं मदद करूंगा, और करीब आकर फिर से बेशवांग को किस करने लगता है। इस बार बेशवांग भी उसे दिल से किस करती है, लेकिन किस के बाद वो युवान से बोलती है कि ये जो भी अभी हमारे बीच हुआ वो बस एक सपने की तरह याद रखना और फिर भूल जाना। फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी युवान की जैसा कि तबीयत खराब पहले से ही थी, वो मुंह से खून स्पिट करता है और बेहोश हो जाता है, जो देख बेशवांग रुक जाती है थोड़ी देर। जब युवान की आंख खुलती है तो वहाँ उसी घर में एक बेड पर लेटा हुआ था वो, उसके पास उसका बॉडीगार्ड बैठा था जो उसे बोलता है कि बेशवांग ने तुम्हें चेक करा, वो मेक श्योर करके तुम्हारी तबीयत ठीक है, उसके बाद ही यहाँ से चली गई। वो एक लेटर और फ्लूट को छोड़कर गई थी, लेटर में उसने लिखा था कि वो आगे बढ़ रही है और अगली जिंदगी में मिलना हुआ तो वो उम्मीद करती है कि उन दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारियां नहीं होगी और खुशी से जिंदगी गुजार पाएंगे। सीन बेशवांग पे शिफ्ट होता है, जो युनपाई के गेट पे पहुंच चुकी थी और अपने उन दोनों नौकरों से भी मिलती है। वो बहुत खुश होते हैं कि बेशवांग फाइनली पहुंच गई है। बेशवांग यहाँ एक कॉइन पाउच में मट्टी भरती है और अब ये लोग युनपाई में एंटर होने ही वाले थे कि युवान जोर से अपना घोड़ा भगाता हुआ सबको साइड करता हुआ यहाँ आता है और बेशवांग को रुकने बोलता है, कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। बेशवांग पलटती नहीं है, उसका नौकर जाकर युवान से वो चीज रिसीव करता है जो वो देने आया था। वो असल में डेजर्ट स्ट्रॉल लौटाने आया था, क्योंकि वो जानता था कि आगे बेशवांग को लॉर्ड से शादी करने के लिए ये डेजर्ट स्ट्रॉल गिफ्ट करना पड़ेगा उसे। नौकर डेजर्ट स्ट्रॉल को लाकर बेशवांग को दे देता है और बताता है कि युवान ने ये भी बोला है कि तुम अपना ख्याल रखना। अब सीन युनपाई के महल पे शिफ्ट होता है, जहाँ बाहर बहुत सारी प्रिंसेसेस आई हुई थी अनाची जैसे अलग अलग ट्राइब्स से, और वो सभी अपने साथ बहुत ही कीमती चीजें लाई थी युनपाई के लॉर्ड को एज अ गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने के लिए। एक एक करके इन प्रिंसेसेस को लॉर्ड के सामने बुलाया जाता है। लॉर्ड का नाम नाजान है, हम कभी उसे लॉर्ड अभी नाजान करके बुलाएंगे। नाजान के दरबार में बहुत सारे ऑफिसर्स और भी बैठे थे। यहाँ एक प्रिंसेस जिया से नाजान बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो काफी कीमती तोहफे लाई थी और साथ ही वो एक पेंटिंग भी बनाकर लाई थी जिसमें उसे नाजान को ड्रॉ किया था, जो पूरे डेजर्ट को फतह किए हुए था। नाजान उससे इम्प्रेस होता है और उसे अब अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने बोलता है, जब तक कि रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो जाते। रिजल्ट्स के शादी के लिए नाजान ने कौन कौन सी प्रिंसेस को चुना है और इधर के बाद अनाउंस किया जाएगा। उन्हीं प्रिंसेसेस को नाजान यानी लॉर्ड की वाइफ होने का टाइटल दिया जाएगा जो उसे पसंद आएगी। बाकियों को या वापस भेज दिया जाएगा या चाहे तो यहाँ की किसी और नोबल फैमिली में भी शादी करवा सकते हैं। अब यहाँ बाहर बेशवांग पहुँच चुकी थी, लेकिन यूनुक उसे बताता है कि तुम बहुत लेट आई हो, वेडिंग सेरेमनी तो खत्म हो चुकी है। जबकि बेशवांग और उसके नौकर यूनुक से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो एक बार जाकर नाजान को इन्फॉर्म कर दे, पर यूनुक का कहना था कि नाजान भाग गया है, उसने अब किसी से भी मिलने से मना करा है। पर बेशवांग यहाँ गार्ड की स्वॉर्ड उठाकर अपने गले पे रख देती है और बोलती है कि वो बहुत लंबा सफर तय करके आई है और बहुत मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँची है, अगर इसे लॉर्ड से नहीं मिलने दिया गया तो ये यहीं पर सुसाइड कर ले। अब यूनुक आज का खास दिन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए अंदर जाकर नाजान को बताता है कि बाहर पेशवांग भी आई हुई है अनाची से, बहुत टाइम के बाद कोई प्रिंसेस युनपाई आई, इसीलिए नाजान उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर बेशवांग उसे अपना तारुफ देती है और साथ ही वो मट्टी से भरी पोटली और डेजर्ट स्टॉल को
जैसे के फेस करती है। हमें देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे नाजान ने डेजर्ट स्ट्रॉल तो इग्नोर ही कर दिया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिलहाल वो बस उस पोटली के बारे में सवाल करता है कि ये क्या है, जिस पर बेशरंग बताती है कि ये उस एंट्री अनाची की मट्टी है जो वो अपने साथ लाई है। उसने बहुत मुश्किलों का सामना करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। नाजान बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हूँ, समझ सकता हूँ कि तुम कितनी मेहनत से यहाँ पर आई हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें टाइटन नहीं दे पाया यानी शादी नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगा, चलेगा ना? जिस पर बेशरंग बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर आपने टाइटल नहीं दिया तो भी हम आपके वफादार ही रहेंगे। वो बताती है कि मैं आपके लिए कोरियोग्राफी लाई हूँ जो कि मेरा खास डांस है, जिसपे नाजान बोलता है कि हमारी कंट्री में बहुत सी स्किल डांसर्स पहले से ही मौजूद है, तुम वैसा नहीं कर पाई तो एम्बेरसमेंट होगी तुम्हें। जिस पर बेशरंग बोलती है कि वो फिर भी कोशिश करना चाहेगी। बेशरंग नाचना शुरू करती है और वो बहुत अच्छा करती है, नाजान को तो बहुत पसंद आता है और वो डांस के बाद तालियां भी बजाता है। नाजान अब शादी के लिए प्रिंसेसेस को सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ 3 प्रिंसेसेस को चुना गया था जिसमें से एक बेशरंग भी है, उसके अलावा लेडी जिया जो कि वैसे भी हमने देखा कि नाजान को पसंद आ गई थी, और एक है लेडी योवे। योनुकप इन तीनों को अपने लिए चैम्बर्स को सेलेक्ट करने बोलता है। योवे बोलती है कि उसे जेड चैम्बर चाहिए, पर यहाँ जिया को भी जेड चैम्बर ही चाहिए था, जिस बात पे योवे जिया को थप्पड़ भी लगाने वाली होती है, पर बेशरंग उसके हाथ को रोक देती है। वो बोलती है कि इस तरह झगड़ा करना सही नहीं है, तुम ये जो भी कर रही हो वो यूनुक जाकर लॉर्ड को बता देंगे और इससे तुम्हारी ही बदनामी होगी। इसलिए अब योवे और जिया दोनों ही जेड चैम्बर्स में ठहरी हुई थी, क्योंकि ये चैम्बर नाजान के कमरे से करीब पे है। बेशरंग ने अपने लिए क्लाउड नामी चैम्बर को सेलेक्ट करा था, लेकिन ये जगह नाजान के कमरे से दूर थी और यहाँ पुराने लॉर्ड की डेथ भी हुई थी, तो यूनुक बेशरंग को ये कमरा लेने से मना करता है। कहता है कि जगह काफी वक्त से बंद है, हो सकता है यहाँ आत्माएं घूम रही हो, लेकिन बेशरंग बोलती है कि उसे यहीं रहना है, और वो यूनुक को एक छोटा सा लॉकेट भी देती है एज अ रिश्वत। यूनुक अब ये सब जाकर नाजान को बताता है। नाजान जब ये सुनता है कि बेशरंग ने क्लाउड चैम्बर में रहना चुना है तो उसके हाथों में जो अखरोट होते हैं वो गुस्से में तोड़ देता है। हमें युवान को भी दिखाते हैं जिसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि बेशरंग को आज टाइटल मिला है। युवान बोलता है कि वो तो मिलना ही था, बेशरंग वहाँ इसी के लिए तो गई थी। बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ, वो ब्यूटीफुल और टैलेंटेड जो है, इसलिए नाजान ने उसे चुना होगा। इस पर युवान बोलता है कि नाजान ने बस उसे इसीलिए चुना है क्योंकि वो डेजर्ट स्ट्रॉल ला कर दी थी, और सच में यही बात भी है। हमें नाजान को दिखाते हैं जो उसी डेजर्ट स्ट्रॉल को रीड कर रहा था, उसे बाकी डेजर्ट स्ट्रॉल भी चाहिए। इसके अलावा यूनुक उसे बताता है कि लेडी योवे का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, वो बाकी प्रिंसेसेस से काफी अलग है, बिना बात की लड़ाइयां करती रहती है। शादी के लिए तो काम और तमीज वाली लड़कियों को भेजा जाता है, योवे तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए नाजान यूनुक को बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करवाओ जरा, क्या चक्कर है, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही, और ऐसा कुछ भी है तो मार देना। अब बेशरंग को दिखाते हैं जिसे उसकी नौकरानी आकर बताती है कि लेडी योवे ने लॉर्ड से झूठ बोला, असल में लॉर्ड से शादी के लिए उसकी बहन को सेलेक्ट किया गया था, पर वो बीमार पड़ गई थी इसलिए योवे उसकी जगह लेकर यहाँ आ गई। नाजान ने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसे ये सब पता चल गया। अब इसीलिए लेडी योवे को झूठ बोलने की सजा मिली है, उसे बहुत मारा गया है और वो मरने वाली हालत में है। नाजान ने ये भी अनाउंस करा है कि अब कभी भी लेडी योवे के ट्राइब से किसी को भी योनपाई में नहीं बुलाया जाएगा और उन्हें प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। नौकरानी बहुत डरी हुई थी कि कहीं इन लोगों का सच भी पता ना चल जाए कि बेशरंग असल में इनाची की प्रिंसेस नहीं बल्कि मेसुए की प्रिंसेस है। जिस पर बेशरंग उसे बोलती है कि फिकर मत करो, हमारा सच ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि अनाची और मेसुए दोनों ही बहुत दूर है यहाँ से, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालना इनके लिए भी मुश्किल होगा। सेंट युवान पे शिफ्ट होता है जो नाजान के महल में घुसने का सीक्रेट रास्ता ढूंढ रहा था ताकि मिस्टर रोंग को ढूंढ सके। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, युवान और बाकी बुआ एजेंट्स यहाँ मिस्टर रोंग को ढूंढने आए हैं, और इन्हें शक है कि नाजान ने मिस्टर रोंग को महल के किसी जेल में रखा हुआ है। युवान को महल के अंदर एंटर होने का सीक्रेट रास्ता पता था, वहाँ कुछ केव्स हैं, उसी से होकर महल की डिफरेंट लोकेशंस पे जाया जा सकता है। युवान को ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो बचपन में इसी मिस्टर रोंग के साथ इन केव्स में घूमा करता था। ये जगह पुराने लॉर्ड यानी नाजान के डैड ने इसीलिए बनाई थी ताकि अगर कभी महल पे अटैक हो तो उनकी फैमिली इन सीक्रेट केव्स को यूज करके यहाँ से भाग सके। इन केव्स को डिस्कवर करने वो आज रात अकेले ही इन केव्स से होते हुए महल के अंदर दाखिल हो जाता है। उसे वहाँ से क्लाउड चैम्बर्स दिखाई देता है और वहाँ मौजूद बेशरंग भी, जिसको देख वो समझ आता है कि बेशरंग ने क्लाउड चैम्बर चुना है। बेशरंग अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, उसकी सर्वेंट उसके पास आती है और दोनों बातें करती है। उसकी सर्वेंट पूछती है कि आपको यहाँ आने पे नाजान से शादी करने का कोई रिग्रेट हो रहा है क्या, क्योंकि आप प्यार तो युवान से करती हो ना, नाजान से थोड़ी। जिस पर बेशरंग बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पर नौकरानी बोलती है कि आप पूरी रात बस नींद में युवान का नाम ही ले रही। जिस पर
पर बेशरम उसे बोलती है कि ये बस सपना ही था और आज के बाद मेरे सामने युवान का नाम मत लेना, मैं उसे भूलना चाहती हूँ। युवान यही बालकनी के साथ बैठा हुआ था और ये सब बातें सुन रहा था। वो ये सुन सकता था पर इस बारे में पेशवा को नहीं पता था क्योंकि वो छुपा हुआ था। अगले दिन नाजान मिस्टर रोंग से मिलने जाता है। ये वही इंसान है जिसे युवान ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि मिस्टर रोंग किसी जेल में है, पर ये तो कोई अच्छा सा रूम है। नाजान यहाँ मिस्टर रोंग से डेजर्ट स्क्रॉल की कुछ लाइन्स को एक्सप्लेन करने बोलता है क्योंकि मिस्टर रोंग नाजान के डैड का साथ ही था। ये डेजर्ट स्क्रॉल नाजान के डैड ने मिस्टर रोंग के साथ मिलकर ही लिखे थे। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर रोंग नाजान को लीडर नहीं मानते। वो डेजर्ट स्क्रॉल को एक्सप्लेन करने से साफ मना कर देता है। नाजान मिस्टर रोंग से अपने भाई के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, पर मिस्टर रोंग इस बारे में भी उसे कुछ नहीं बताता। मे बी नाजान को डर है कि उसका लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर अगर सामने आ गया और नाजान की हुकूमत छीन ली उसने तो क्या होगा। नाजान को मिस्टर रोंग ने उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसका मूड खराब हो जाता है। योनुक उसका मूड सही करने के लिए लेडी योवे या बेशवांग के साथ रात गुजारने का सजेस्ट करता है। पूछता है कि आज रात मैं आपके साथ सोने के लिए इन दोनों में से किसको भेजूं, जिस पर नाजान बोलता है कि उसे दोनों ही एक साथ चाहिए। रात को युवान यहाँ आज वापस केव्स में अपने 3 साथियों के साथ आया था मिस्टर रोंग को ढूंढने। युवान अपने साथियों को अलग रास्ते से महल के अंदर जाने बोलता है और वो खुद दूसरे रास्ते से जाता है। ये रास्ता डायरेक्ट पेशवांग के कमरे तक जाता है। केव में एक दरवाजा था जो ओपन करने पे वो पेशवांग के रूम के कबर्ड में पहुंच जाता है। वहाँ जैसा कि पेशवांग से पहले पुराने लॉर्ड यानी नाजान के डैड रहते थे, युवान को एक सीन याद आता है बचपन का जिसमें वो छोटा था और मिस्टर रोंग के साथ इस कबर्ड वाले रास्ते से पुराने लॉर्ड से मिलने जाने वाला था, लेकिन कमरे में कुछ और लोग पहले से ही मौजूद थे, इसलिए युवान और मिस्टर रोंग अलमारी में छुप कर उनकी बातें सुनते हैं। पुराने लॉर्ड की तबीयत खराब थी, वो बेड पे लेटे हुए थे, तभी नाजान लॉर्ड को मार देता है, यानी अपने ही डैड को मारकर वो लॉर्ड बन जाता है। कुछ ऑफिसर्स पहले से ही उसके साथ ही जो रूम में भी मौजूद थे और उन्होंने उसका साथ दिया पुराने लॉर्ड को मारने में, इसीलिए नाजान को ज्यादा मसला नहीं होता है सब लोगों को अपनी तरफ करने में। लेकिन तब युवान और मिस्टर रोंग ने उसे ये सब करते हुए उसी कबर्ड के अंदर से देख लिया था। इन सबसे ऐसा लग रहा है कि नाजान जिस लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर के बारे में प्रेजेंट में मिस्टर रोंग से पूछता रहता है, मे बी वो युवान ही हो। प्रेजेंट में युवान अभी उस अलमारी से होता हुआ कमरे के अंदर आता है, उसे किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो पार्टीशन के पीछे छुप जाता है। यहाँ बेशवांग ही आई थी क्योंकि ये उसी का कमरा है। कबर्ड यूं खुला देखकर बेशवांग को शक हो गया था कि रूम में जरूर कोई घुस आया है, पर उसकी नौकरानी को लगता है कि अलमारी गलती से उसी से खुली रह गई होगी। बेशवांग को पार्टीशन के पीछे कुछ नजर आता है, वो समझ आती है कोई छुपा हुआ है। वो अपनी नौकरानी को खुद के लिए चाय बनाकर लाने भूली है ताकि वो रूम से चली जाए। उसके जाते ही अब युवान बाहर आने वाला था कि यहाँ युनुक आकर बताता है बेशवांग को कि कांग्रेचुलेशंस, आज लॉर्ड आपके और लेडी जिया के साथ बेड शेयर करने वाले हैं। युवान को ये सब सुन बहुत बुरा लगता है। बेशवांग और युवान की स्टोरी में आगे क्या होगा अगले ही एपिसोड में पता चल पाएगा आपको। चलते हैं शिनवे और वैन की तरफ। बीच बीच में इन दोनों के सीन्स भी आ रहे थे। वो दोनों मेसवे पहुंच चुके थे और अब वैन उसे बोलता है कि जो ट्रेजर्स का तुमने वादा करा था वो दे दो मुझे, जिस पर शिनवे अपने मुंह को कवर कर लेती है एक रुमाल से और बोलती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ ना, किसी को मेरा असली चेहरा थोड़ी दिखाऊंगी। पर तभी वैन उसे अपने कंधों पर उठाकर चलने लगता है। शिनवे चीखती रहती है कि मुझे नीचे उतारो, पर वैन नहीं सुनता और उसे मेसवे के कुछ गार्ड्स के पास ले आता है। गार्ड्स बोलते हैं कि आज यहाँ कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता क्योंकि आज सैक्रिफिशियल सेरेमनी है, जिस पर शिनवे कवर करने के लिए बोलती है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आज सैक्रिफिशियल सेरेमनी है। वैन को बोलती है कि चलो चलते हैं यहाँ से, लेकिन वैन इन गार्ड्स को बोलता है कि ये लड़की शिनवे है, तुम्हारी प्रिंसेस। शिनवे उन्हें अपना बैच भी दिखाती है, जो देख गार्ड जोर जोर से चिल्लाकर सबको बता देता है कि ये प्रिंसेस आ गई है। और फिर शामन आखिर शिनवे को पकड़ कर एक खंभे से मार देता है। उनका मानना था कि शिनवे पुराने लॉर्ड बेटी है, उसमें उनका खून है, इसे सैक्रिफाइस करने से इस कंट्री का खोया हुआ पीस वापस आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि मैं तुम लोगों की प्रिंसेस नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था, लेकिन कोई नहीं सुनता, ये लोग उसकी जान लेने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ वैन आ जाता है उसे बचाने के लिए और उसकी रस्सी को खोल देता है, सभी लोगों से फाइट भी करता है। शिनवे भी खुश हो जाती है ये देखकर कि वैन उसे मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा। बाद में वो उसे बचाकर मेसवे के बाहर ले आता है। वैन को समझ आ गया था कि उसे अब खजाना तो नहीं मिलने वाला क्योंकि मेसवे की हालत खराब है, यहाँ का लॉर्ड भी अब शिनवे का डैड नहीं रहा है और ना शिनवे प्रिंसेस। शिनवे भी बोलती है कि कोई बात नहीं अगर मैं प्रिंसेस नहीं रही तो, पर मैं बैंडेड यानी तुम्हारी वाइफ बनके सारी जिंदगी गुजार लूंगी। तभी वैन ये सुनकर उसके करीब चला जाता है और उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांध देता है, फिर यहाँ से चला जाता है ये बोलकर के खुद खोल कर आ जाना, मैं तो यहाँ खजाने के लिए आया था तुम्हारे साथ। अब वही
ही नहीं मिलने वाला तो मेरा यहाँ रुक के क्या फायदा, मैं तो जा रहा हूँ। वो अपनी घोड़े पे बैठ यहाँ से चला जाता है। उसको थोड़ा ही आगे जाकर उसके दो साथी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि हमारा ठिकाना अब नहीं रहा, दोंगबा और उसके आदमियों ने वो जगह पे कब्जा कर लिया है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। वैन पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर ये लोग बताते हैं कि वो डेजर्ट की सूरत लड़की थी ना, ये लोग बेशवांग की बात कर रहे हैं। वो अपने साथियों को बचाने के लिए एक आदमी को लेकर आई थी, उस आदमी ने दोंगबा और उसके साथियों के साथ मिलकर पूरी जगह दबा कर दी। यहाँ युवान की बात हो रही है कि वो बेशवांग की मदद कर रहा था और दोनों युनपाई की तरफ गए हैं, लेकिन हमने उस लड़के पर तीर चला दिया था। वैन पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उस लड़के की स्केच बनाई है, जिस पर ये लोग उसे युवान का स्केच दिखाते हैं, जिस पर वैन समझ जाता है कि ये लड़का तो उसे उस इन में भी दिखाई दिया था जहां ये शिनवे के साथ ठहरा हुआ था। अब वैन और उसके साथी यहां से दोंगबा से निपटने वापस अपने गांव जा रहे हैं, तभी शिनवे भी यहां खुद को रस्सी से आजाद करवा कर आ जाती है और वैन के साथ चली जाती है। दैट्स इट गाइस, इस शो का नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा।